दरअसल मामला अन्नपूर्णा क्षेत्र में हुई इस धोखाधड़ी में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया कि ब्रजविहार कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय उषा शर्मा ने शिकायत में बताया कि वह तलाकशुदा है, अपने रिटायर्ड माता पिता के साथ रहती है। उनकी 28 वर्षीय एक बेटी है। भाई नौकरी के कारण बाहर रहता है। वह कुछ समय से परेशान थी। गोपुर चौराहे पर ज्योतिषी रणजीत को जनवरी 2015 में भाग्य दिखाया, उसे घर की पूरी जानकारी दे दी, बोला ग्रह शांति की पूजा करानी होगी, उसे सम्मोहित कर लिया, सिर के बाल काट दिए, बोला काला जादू भी करना होगा। पहली बार 10,000 रुपये लिए, एक ताबिज प्रसाद और अंगूठी दी। दूसरी बार में टॉप्स ले लिए। एक किसी न किसी पूजा के नाम पर पैसे और जेवर लेता था। बाद में बोला कि ग्रह शांति की पूजा नहीं करवाई तो परिवार में एक भी आदमी नहीं बचेगा, बेटी भी मर जाएगी। इस डर के कारण उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। चेन मांगी तो माँ सिर फोड़ने लगी। बाद में सब बताया, उषा के पति भी सरकारी नौकरी करते थे। तलाक के बाद वह माता पिता के साथ रहने लगी। पिता आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में अफसर थे। बेटी शिवांगी इंजीनियर है। बेटी माँ को अपनी सैलरी अकाउंट में डालने के लिए देती थी। उसके जेवर भी उषा के पास थे। पिछले हफ्ते शिवांगी ने अपने चेन माँ से मांगी तो उन्होंने बहाना बनाया, जोर डाला तो माँ सिर फोड़ने लगी। आखिर में उन्होंने पूरी कहानी बताई। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ऐसे कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है ये जानकारी ले रही है। सर, एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। सर, क्या है पूरा मामला? परसों जो है उषा शर्मा, जिनकी उम्र 55 वर्ष है और ये तलाकशुदा महिला है, ब्रजविहार कॉलोनी में रहती हैं, तो इनने शिकायत करी थी कि ये करीब 5 वर्ष पहले की घटना होगी। वो घर में अपने माता पिता की तबीयत खराब होने और बेटी की शादी को लेकर के चिंतित रहती थी, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को जो रोड किनारे बैठे रहते हैं गोकुल चौराहे के आसपास, उनको दिखाया था। तो उसने बोला कि भाई आपकी ग्रह शांति कराना पड़ेगी, बहुत सारा आपको दोष है और जो आने वाले समय में और आपके साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो डर के मारे उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए थे। इसके बाद लगातार ये उनका आर्थिक शोषण करता रहा पैसे का, कि आपको ग्रह शांति कराना है, नहीं और घर में और दुर्घटनाएं हो जाएंगी। इस तरह से पिछले 5 सालों में उसने करीब 20 लाख रुपये और करीब उनका काफ़ी जेवर जो है ले लिया था। सर, जेवर किसे, मतलब जेवर कैसे लिए थे सर? जेवर इसलिए इस तरह से लिया था, इसने कुछ जेवर तो इसने ऐसे लिए कि भाई ये इसकी पोटली बना करके दे दो, इसको मैं वहाँ भगवान के सामने रख करके और इसकी पूजा करूँगा, फिर जो है इससे अनुष्ठान होगा, इसमें आवश्यक है। फिर बाद में इस तरह से दिया कि वो अनुष्ठान में और सामान लगने वाला है। और ये लगातार 5 सालों में कभी बेटी के नाम पर, कभी पिताजी के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर वो लेता रहा। और ये महिला भी डर के मारे घर में किसी को नहीं बताई। तो करीब 20 लाख रुपए ऐसा फरियादी का कहना है कि वो दे चुकी है। सर, इसमें एक महिला भी गिरफ्तार हुई, उसका क्या है? हाँ, वो ज्योतिषी जो था रंजीत जोशी, उसकी पत्नी शीतल जोशी जो है वो भी गिरफ्तार हुई है। उसके नॉलेज में था, ये पूरे संज्ञान में था और वो भी दोनों साथ में मिलकर के इसको मूर्ख बनाते थे। और कई बार तो वो पैसा लेने के लिए उसकी पत्नी जो है शीतल जोशी आई थी। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? आरोपी जो है द्वारकापुरी के ऋषि विहार कॉलोनी का रहने वाला है। सर, ये मतलब फुटपाथ पे इनकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये रोड किनारे ही बैठे रहते हैं, तो ये आम राहगीर जो है कभी कभी जो है इनके जाल में फंस जाते हैं और वो उन्हीं को मूर्ख बनाते हैं। सर, पूछताछ में कुछ सामने आया सर के मतलब इन्होंने और कितने व्यक्ति को? ये अभी हमने इसका पुलिस रिमांड लिया हुआ है, वो हमारे पास पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ अभी चल रही है, लेकिन अभी कोई दूसरा मामला प्रकाश में नहीं आया। सर, पूर्व में कोई मामला दर्ज है क्या आरोपी? नहीं, आरोपी के खिलाफ जो है पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।